अक्सर आपने फिल्मों में रोबोट को विलन से फाइट करते देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ से निकलकर अब रियल में रोबोट मरीजों की बीमारियों से लड़ने जा रहा है, वो भी ऑपरेशन थिएटर में। बोझ कम करेंगे रोबोट, नर्सों की तरह करेंगे इलाज, मरीजों की होगी रोबोटिक सर्जरी। अगर आप किसी अस्पताल में जाएं और वहां नर्सों की तरह किसी रोबोट को काम करते देखें, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये बात तो सभी जानते हैं कि रोबोट इंसानों की हूबहू नकल कर लेते हैं, उन्हीं की तरह चल फिर सकते हैं, नाच सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन इटली में किए गए एक रिसर्च से पता चला है कि रोबोट सर्जरी भी कर सकते हैं। अब जब रोबोट सर्जरी करेंगे तो जाहिर है सर्जरी के दौरान सुरक्षा भी बढ़ेगी, क्योंकि वो इंसानों की तरह गलतियां नहीं करते। इटली की पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के इलेना डे मोमी का मानना है कि इस नई तकनीक का मोटिव सर्जरी का काम पूरी तरह से रोबोट पर छोड़ना नहीं है, बल्कि रोबोट के टैलेंट का इस्तेमाल करना है। हालांकि इससे रोजगार पर तो असर पड़ेगा, लेकिन इसका मकसद इंसानों के बोझ को कम करना है, क्योंकि वो कई ऐसे काम करेंगे जो इंसानों से बेहतर होंगे, जिसमें दवाइयों से लेकर अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं की गई चीजें शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये रिसर्च किया गया। एक रोबोटिक हाथ को मनुष्य की गतिविधियों की नकल करने का प्रशिक्षण दिया गया। शोधकर्ताओं ने एक मनुष्य की ऐसी तस्वीर खींची जिसमें वो किसी सर्जन की तरह से औजारों से काम कर रहा है। इसके बाद इन तस्वीरों को रोबोट के नेटवर्क में डाला गया। इसके बाद एक व्यक्ति ने रोबोटिक हाथ को उन्हीं गतिविधियों को करने के लिए ऑपरेट किया। इसमें करीब 70% बार रोबोट की गतिविधियां मनुष्य जैसी दिखी। इसका मतलब है कि रोबोट ने प्रभावी तरीके से उसे सीख लिया। तकनीक के इस युग में रोबोट आज हर वो काम कर रहे हैं जो इंसान करते हैं। इससे कहीं न कहीं सहूलियतें तो इंसानों के लिए बढ़ रही हैं, लेकिन दिक्कतें भी उन्हीं के लिए हैं, क्योंकि अगर इंसानों का काम रोबोट करने लगेंगे तो रोजगार के साधन भी कम होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। कश्मीर में पिछले 4 महीने से सभी स्कूल तनाव की वजह से बंद हैं। आतंकियों ने कई स्कूलों को आग के हवाले कर दिया है, जिससे वहां छात्रों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इन सबके बीच अनंतनाग में स्थानीय टीचर्स की पहल से एक उम्मीद बंधी है। क्या है वो पहल, देखिए इस रिपोर्ट में। जहां एक और घाटी में आतंकी और अलगाववादी स्कूलों को आग के हवाले कर देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में स्थानीय शिक्षकों की पहल से उम्मीद जगी है। ये तस्वीरें घाटी में स्कूलों को आग लगाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। स्थानीय टीचर्स ने मिलकर इलाके में एक मकान में प्राइवेट शिक्षा केंद्र खोला है, जहां वे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, ताकि स्कूल बंद होने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। इस पहल से छात्र बेहद खुश हैं। देखो, गवर्नमेंट में जो हमें एजुकेशन मिलती है वो बेसिकली कॉम्पिटिशन की बेसिस पे होती है। हम हमेशा इस दौड़ में होते हैं कि हम फर्स्ट आए, कोई और ना आए, इसी कॉम्पिटिशन की बेसिस पे हम पढ़ते स्कूल में। बट यहाँ पे जो हमें कुछ नया एक्सपोजर मिला, हमने यहाँ पे एजुकेशन सीखी। मेरे ख्याल में स्कूल में हमें वैसी एजुकेशन नहीं मिल सकती थी, बिकॉज कॉम्पिटिशन के बेसिस पे हम बुक को छोड़ देते, बल्कि रट्टा मारना शुरू कर देते। किसी का पापा मजदूर होते किसी जगह में, देखो पुलवामा में उधर कितनी गंदी हालत।